अब हमारे सामने दो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, एक कर रही है लैंडस्केप पेंटिंग जिसके लिए हमने एक फ़ोटोग्राफ को चुना है यद्यपि ये अच्छा है कि आप स्पॉट में जाके बाहर जाके बाहर में लाइट और एटमॉस्फेयर में बैठ के देख देख के बनाएं पर इसका सुविधाएँ नहीं मिलता है इसीलिए अच्छा है कि आप एक फ़ोटोग्राफ चुने और उससे एक पार्ट या सारे पार्ट को अच्छा लगे तो लेके अपना पेंटिंग बनाए इसमें उन्होंने जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है वो है एक्रिलिक कलर। एक्रिलिक कलर आमतौर तो पे कैनवस या बोर्ड में अच्छा आती है पर यहाँ हमने सिर्फ पेपर में ही इसे कर रहे हैं बल्कि पेपर में भी इसकी इफेक्ट इतना एत, ज़्यादा कमी नहीं दिखाई देगी दूसरी तरफ जो पेपर में कर रहे हैं ओ है पोस्टर कलर में पोस्टर कलर में, में बहुत अच्छी इफेक्ट आता है वो करेक्ट कंपोजिशन अब चित्रकार इस पर कलर का इस्तेमाल कर रहे है यू जस्ट नोटिस शी इज यूजिंग ए फ्लैट ब्रश दैट हेल्प्स यू टू यूज ब्रॉडर एरिया इन ए फास्टर मैनर बट इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ऑन कैनवस एंड ऑन बोर्ड अब वो अपने व्हाइट कलर से स्काई को कर रहा है effect uh, this is a wonderful uh, medium uh, this is uh, ac acrylic and you can get all kind of effect through this and she is uh, using now the landscape drawing is done and she is you now using colors on that it is an acrylic colour and you notice that she is using a flat brush which will help her to get to fill up the sky uh, faster than a, a round brush and the effect also will come good now the acrylic color is a color which will dry very fast and he she easily can put another color on that the artist who was working on a composition is also using his brush Notice the difference between the brushes. One is flat, this one is uh, round and also smaller. He is using poster color and he is using strokes of the poster color, this is something like the impressionist style. You can work on so many techniques, so many method and so many style, this is just one of the style that is very popular with the young people. And we can see first he is covering the background with the blue color and gradually here when it is done.

ये सूखने के पश्चात इस पर फिर और एक कालर इस्तेमाल करते हो यहाँ आर्टिस्ट ने एक विशेष टाइप की स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल कहते हैं और इसमें स्ट्रोक द्वारा कालर वहाँ पर स्पेस पर सरफेस पर लेपा जाता है